जहाँ जहाँ हमारे देश में एक सफाई कर्मी के लिए भी कुछ न कुछ एजुकेशनल पॉलिसीज रखी गई हैं, लेकिन वहीं पर एक देश चलाने वाले पॉलिटिशियन के लिए कोई भी ऐसी एजुकेशनल पॉलिसी नहीं रखी गई। क्या कभी इस चीज़ को नहीं सोचा गया कि देश को चलाने वाला भी एक पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। दरअसल इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन उसी समय पर हुआ था जिस टाइम पर हमारा संविधान बनाया गया था। दरअसल इंडियन डेमोक्रेसी की जो पॉलिसी थी वो कुछ इस टाइप की थी कि सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, क्योंकि जिन गरीब और अनएजुकेटेड लोगों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनको भी एक बार पॉलिटिक्स में आने का मौका मिल सके। और अगर उस टाइम पर कोई भी एजुकेशनल पॉलिसी को लगा दिया जाता तो भारत की पॉलिटिक्स केवल और केवल कुछ 10-12% लोगों में ही सिमट कर रह जाती, क्योंकि उस टाइम पर भारत की लिटरेसी रेट केवल और केवल 12% ही थी और उसमें भी काफ़ी उच्च वर्ग के लोग आते थे। लेकिन क्या आप इस पॉलिसी को बदला जा सकता है? आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए क्यूरियस सफ़ो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।